नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर गुरुवार को पूरे प्रदेश सहित कानपुर में भी जन संदेश साइकिल यात्रा निकाली गई। सपा नेता बंटी यादव व महाराजपुर विधानसभा संगठन के नेतृत्व में 10 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाल सपा के विचारों और सपा सरकार में किए गए कामों को संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। इस दौरान सपा नेता बंटी यादव ने कहा कि संगठन आगामी 2022 चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। 2022 में जनता बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है, राजा खास आरती रिहाई, छात्र पीड़ा, नौजवानों की समस्याओं के विरोध में आज इस साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है। ये साइकिल यात्रा प्रदेश के हर जनपद में लगभग 5 से 10 किलोमीटर तहसील स्तर पर चलाई जा रही है। उसी के तहत आज भिंडवाई में महाराजपुर विधानसभा के अध्यक्ष श्री संतोष यादव जी, युजन सभा के जिला अध्यक्ष भाई अर्पित यादव जी, अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष भाई टोनी यादव जी के नेतृत्व में ये साइकिल यात्रा यशोदा नगर, गोपाल नगर, देवकी नगर, गंगा घूमते हुए लाल किले जाकर लगभग 8 किलोमीटर चलते ये साइकिल यात्रा समाप्त। 2022 इलेक्शन नजदीक है, संगठन की क्या तैयारी है? आज यहाँ संगठन के सभी नौजवान साथी अपनी अपनी साइकिल यात्रा लेके हर विधानसभा स्तर पर सड़कों में निकले हैं। जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से, कई चैनल के माध्यमों से आपको प्रसारित हो रहा होगा कि आज साइकिल सड़कों पर उतर चुकी है और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खड़ा करने के लिए नौजवान सड़कों पर संकल्पित है। जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आती है।